Hey friends, marhaba, I am your Samira Aziz and your Samira Aziz is here again with you for you in your own show, Smile with Samira Aziz. Friends, you should be ready to flaunt your smile always with lots of positiveness, support a smile, peace. Friends, आज हमारे साथ हैं एलिया एली. She is a TikTok star. हैं वो मुल्तान पाकिस्तान से और वो TikTok star कैसे बनी और क्या क्या challenges उन्होंने झेले वो उस बारे में हमें बताने वाली हैं. तो आइए उनके साथ एक बातचीत करते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि दुनिया में किस तरह जो लोग कोई कामयाबी हासिल करते हैं और जो लड़कियां सामने आ रही हैं कितनी स्ट्रांग वो लड़कियां हैं और वो किस तरह अपने आप को मनवा रही हैं एंड दे आर वेरी गुड गर्ल्स. सो आलिया एली उनमें से ही एक है. तो चलिए आइए उनसे मिलते हैं. अब्दुल्ला, चावल चुनने आते तुम्हें? चावल चुनने आते तो आता क्या है बावले? एक तो फेल हो के आगे ऊपर से कोई काम भी नहीं करेगा. काम कर, चुनना सीखो. Hi Alia, wow, how are you? Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम. प्यारी प्यारी मासूम सी. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ. तो आलिया, आप कहाँ से हैं, किस सिटी से आपका ताल्लुक है? एक्चुअली मैं आपको अगर स्टार्ट से बताऊं तो मेरा मुल्तान सिटी से ताल्लुक है. सिटी भी नहीं, विलेज टाइप है. आप तक टिकटॉक कैसे पहुंचा? आपने टिकटॉक में आने का किस तरह से ख्याल आया, हमें शुरू से बताएं. जी, इतने पॉजिटिव लोग अक्सर नहीं होते, मेजॉरिटी जो होती है. ओके, लेट मी टेल यू फ्रॉम द स्टार्ट. सो टिकटॉक जब मैंने ज्वाइन किया तो वो टिकटॉक नहीं, म्यूजिक लेता इन 2017. ओके, तो मैंने प्राइवेट अकाउंट ही बनाया था 2017 में. ओके, एंड मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं इतनी, मतलब इतनी फेम मिलेगी, इतना सब कुछ. और मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा क्या. मैंने एक दिन ऐसी वीडियो देखी एक इंडियन एक्ट्रेस, तो मैंने अपने भाई से पूछा, मैंने कहा कि ये कौन सी ऐप है, तो उसने कहा कि ये वीडियो एडिटिंग ऐप है. तो मैंने कहा कि क्यों ना हम भी ज्वाइन करें. तो मैंने अकाउंट बनाया अपना, प्राइवेट अकाउंट. मुझे नहीं पता था कि ये प्राइवेट अलग से होता है, मैं वीडियोज़ प्राइवेट करती थी. सो दिवाली का सेकेंड डे था. सो हैप्पी दिवाली ट्रेंडिंग में था हैशटैग. तो 5 वीडियोज़ मैंने मैक्सिमम बनाई और हैप्पी दिवाली का एक हैशटैग लगा दिया. मुझे कुछ नहीं, कोई आइडिया नहीं था कि हैशटैग्स वगैरह क्या होते हैं, और हैप्पी दिवाली हैशटैग लगा के मैंने पोस्ट कर दी वीडियो. और पैरट का काफी लोग पूछ रहे हैं, तो पहली वीडियो मेरी उसी के साथ ही थी. मेरा पैरट है एक ग्रीन, तो वो मेरा काफी क्लोज है. मतलब मेरे अलावा वो किसी के साथ इतना क्लोज नहीं है, मेरे पास ही रहता है और मैं ही उसे खाना वगैरह देती हूँ. तो इसलिए मैंने उसके साथ वीडियो बनाई, पोस्ट की. एंड मेरा नेट पैकेज खत्म हो गया. नेक्स्ट डे मैंने जब ऑन की तो मेरे पास, पहले मैंने टिकटॉक ऑन नहीं किया, तो मेरी फ्रेंड्स के मैसेजेस, ये क्या तुमने पब्लिक कर दी, सारे रिलेटिव्स के मैसेजेस, मम्मा को वीडियो सेंड, और ये क्या कर रही है, कोई आइडिया नहीं आप लोगों को, बदनामी होगी, ये होगा वो होगा, बदनामी. यहाँ पे इतना कॉमन नहीं है. यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि मेरे शहर में इतने ज़्यादा लोग नहीं जो FB पे अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, इतने ज़्यादा लोग नहीं है, मतलब फीमेल में. तो यहाँ ये बहुत ज़्यादा अजीब समझा जाता है कि ये क्या कर रही है, लड़की हो के इतना क्यों है. यहाँ इतना अच्छा नहीं समझा जाता ये सब, जबकि मुल्तान एक बिग सिटी है, लेकिन इतना अच्छा नहीं समझा जाता है. यहाँ लड़कियों को पढ़ाया जाए या उनको सपोर्ट किया जाए या उनको मीडिया में जाने दिया जाए. 2 महीने रह गए, कोई नहीं, एक कोई दिक्कत नहीं, 7 दिन, अरे इतना ज्यादा समय. अभी पढ़ के क्या करेंगे, फिर एक दिन सीधा एग्जाम की सुबह उठ. आज तो एग्जाम है.
पर अब क्या पढ़ लूंगा। और मुझे ना पता नहीं क्यों मुल्तान की खवातीन बहुत अरसे से बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं, क्योंकि उनमें ना बहुत कुछ सीखने की सलाहियत होती है। और मैं एक मुल्तान की खातून पे एक ड्रामा भी प्रोड्यूस करने वाली हूँ, उसी पे उन्होंने मुझे इंस्पायर किया था। शी इज अ कैंसर सर्वाइवर, या पानी पर है, तो उस पर अभी काम चल रहा है। और कोरोना वगैरह की वजह आगे काफी चीजें पेंडिंग में चल गई है। तो वाकई में आप सही बता रहे हैं, मुल्तान में कुछ अजीब सा वहाँ की मट्टी में ना, एक तो दिमाग में पहले से होता था कि लगता है कि मुल्तान की खवातीन ना बड़ी खूबसूरत होंगी, लेकिन बाद में ना मुझे मुल्तान की लड़कियों में ना एक डिटरमिनेशन नजर आई सीखने की और समझने की, आगे बढ़ने की बहुत सलाही होती, अच्छी खवातीन होती है। सपोर्ट नहीं मिलती फैमिली की तरफ से, सपोर्ट नहीं मिलती उनको अपने सिटी से, अपने एजुकेशन उनकी सही नहीं होती उनको फैमिली की। सबसे ज़्यादा जो मेन बात होती है वो फैमिली की सपोर्ट होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये सब कुछ है। मैं अगर आज कुछ भी हूँ ना तो सब कुछ। हेलो आलिया, वेलकम बैक। फाइनली मैं आपसे जानना चाह रही थी आलिया कि आप टिकटॉक पे कैसे आई, और आपने मुझे बताया कि आपके इतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता, गलत समझा जाता है या जो भी। तो टिकटॉक पे आई थिंक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टाइम मुझे ही हुआ, क्योंकि जब मैं टिकटॉक पे आई तब पाकिस्तान में सिर्फ कोई टिकटॉक यूजर पहले से नहीं था टिकटॉक पर। हाँ हाँ, क्योंकि तब टिकटॉक म्यूजिक लिए होता था, बहुत ही कम लोग होते थे जो टिकटॉक पर होते थे। अगर आपको 500 लाइक्स भी मिल जाते थे तब आप ट्रेंडिंग पे थे। और टिकटॉक देखते ही देखते फॉलोइंग है, ये सब अब हुई है, मैंने फिर लेफ्ट कर दिया था। उसके बाद मुझे 150 के फॉलोवर्स मिल गए, वही दिवाली के 3-4 दिनों में 150K से मैंने आगे जब स्टार्ट किया 10-20 वीडियोस तो मेरा अकाउंट हैक हो गया। क्योंकि कुछ लोग हमारे सिटी के ही रिपोर्ट कर करके उन्होंने अकाउंट बैन करवा दिया मेरा। क्यों? हेटर्स होते हैं कुछ, कुछ होते हैं, उनको कोई पर्सनल इशू होता है। अच्छा, जो रीजन उन्होंने बताया, हाउ कम टिकटॉक वालों ने किस चीज पर एतराज एक्सेप्ट किया, वैसे पता चलता है कि उनको भी सोशल मीडिया की अथॉरिटी को देखना चाहिए कि वो कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक, बट उसमें ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर आपको कैसे वापस मिला? वापस नहीं मिला मेरा अकाउंट। अभी भी वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक में है, अगर आप उसको चेक करेंगे तो वो तो प्राइवेट हो गया था फिर। एंड तो फिर आपने दोबारा से बनाया? जी, दोबारा से मैंने फिर छोड़ दिया। मैंने कहा कि नहीं, मेरा अकाउंट इतनी मुश्किल से इतने फॉलोअर्स मिले थे, ये तो लक से मिलते हैं। और मेरी फ्रेंड ने कहा, उसने कहा नहीं तुम कर सकती हो, तुम एक दफा आ गई हो ना ट्रेंडिंग पे, तुम दोबारा आओगी किसी और अकाउंट से आओगी तो फिर तुम्हें ट्रेंडिंग में वीडियोस आ जाएंगी और फिर तुम्हें फेम मिल जाएगा। तो काफी डिसअपॉइंट हुई मैं कि मेरा अकाउंट गया और अब मुझे कैसे मिलेगा। हाँ, तो इसमें देखें एक चीज मुझे पता चली कि देन यू ट्राइड अगेन, आप दोबारा से खड़ी हो और फिर आपको दोबारा कामयाबी मिली। जी, दोबारा भी कामयाबी इस तरह मिली कि मैंने न्यू अकाउंट बनाया जो मेरा अब है। फिर फैमिली इश्यूज और लोग बातें करने लग गए और काफी अजीब अजीब होते हैं कुछ। फिर जो शुरू से जो लोग थे जो डिसएग्री करते थे और क्रिटिसाइज करते हैं कुछ, उन्होंने फिर मेरी फैमिली पे बातें करना स्टार्ट कर दी और इमोशनली टॉर्चर, ये क्या हो रहा है, क्यों कर रही है, गलत है ये सब। सही। एंड देन मैंने अपना अकाउंट फिर से बंद कर दिया।
420K पे, 420K पे मैंने अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया. उसके बाद अब मार्च में मैंने अपना अकाउंट दोबारा रीओपन किया. अकाउंट दोबारा रीओपन किया तो सबसे ज्यादा मुझे मेरे भाई ने सपोर्ट किया, मेरी मदर, सब सबसे ज्यादा ये दो चीजें मैटर करती हैं. अच्छा, अगर आप कुछ भी बनना चाहते हो ना तो सबसे ज्यादा आपको जो चाहिए वो होती है फैमिली की सपोर्ट. जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आप जब कुछ बनना चाहते हो सबसे ज्यादा आपको फैमिली की सपोर्ट चाहिए होती है. हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मास मीडिया को समझते नहीं है, उनको मास मीडिया का नहीं पता है. वो सिर्फ यही समझते हैं कि जो अखबार है बस वही मीडिया है, टीवी चैनल है तो वो मीडिया है. बिल्कुल बिल्कुल. एक गेम्स खेल रहे हो तो एक मोबाइल ऐप भी होती है तो वो भी अब मास मीडिया का एक हिस्सा है. टिकटॉक के जरिए आप जब जहन चाह रहे हैं तो ये चीजें घर में बार बार बताना, ये बहुत कोई वीडियो फिलहाल हरम बंद है तो आप अपने टिकटॉक पे हरम से वीडियो डालेंगी तो वो जो लोग हैं जो कंजर्वेटिव हैं तो उसके अंदर माइंड में एक बात जरूर आएगी कि देखो टिकटॉक था और टिकटॉक के जरिए जो है तो तरफ पहुंचे. ये आपके हाथ में होता है कि आप अपने सोशल मीडिया को किस तरह से यूज कर रहे हैं, किस तरह से आप जो है लोगों तक पैगाम पहुंचा रहे हैं. जैसा कि आप उनको बता सकेंगी कि हाँ इस तरह से देखो 1.5 मिलियन मेरे ख्याल में अगर टिकटॉक को सही से यूज किया जाए तो इससे ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है अगर आप गुड मैसेज कन्वे करना चाहते हो लोगों में. लेकिन लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते, लोग बस वही देखेंगे जो ट्रेंड पे है. ट्रेंड पे अगर कोई फजूल से फजूल चीज है आप उस पर वीडियो बनाओ कि आपकी वीडियो ट्रेंड पे जाएगी. सही. मुझे मुझे लगता है जो है ना असल में वो है जो अभी नए नए टिकटॉक पे या सोशल मीडिया में आए हैं और वो अभी ट्रेंड पे चल रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद ये लोग बैलेंस हो जाएंगे. जब ये बैलेंस होंगे इनका मयार भी बड़ा होगा, ऊंचा होगा और ये वीडियोस में इंफॉर्मेशन मांगेंगे. ये वो जमाना होगा जब हर टिकटॉक स्टार का स्टेबिलिटी का जमाना होगा. तो मेरे ख्याल में आप जैसे टिकटॉक स्टार्स को बिल्कुल भी ना हार नहीं माननी चाहिए और उस टाइम तक आपको भी बहुत एक्सपीरियंस हो चुका होगा और आपको अच्छी तरह से अपना पैगाम देना और जहन साजी करना आ चुका होगा. बिल्कुल ऐसा तो होता है हर जगह पे, जिस भी फील्ड में जाते हैं चाहे वो अच्छी हो बुरी हो तो अच्छे और बुरे लोग हर जगह पे होते हैं. डेफिनेटली जी. तो एक चीज को बुरा कह के इसलिए छोड़ देना कि उसमें लोग बुरे होते हैं तो मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है कि हर जगह एक तरह के लोग होते हैं. अच्छा आलिया, आप मुझे ये बताएं कि आप कहाँ पढ़ती हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, क्या बनना चाहती हैं? इंशाल्लाह डॉक्टर. wow. अभी मैं FSC मेडिकल पार्ट टू के एग्जाम होने थे और एग्जाम तो हुए नहीं और हम ऐसे ही पास हो गए घर बैठे बिठाए. ये तो बहुत अच्छा हो गया. तो अब आप आगे जो है मेडिकल में एडमिशन लेंगी इंशाल्लाह. तो क्या कौन सी फील्ड अपनाना चाहती हैं, गायनोकोलॉजिस्ट बनना चाहती हैं या कुछ? कार्डियोलॉजिस्ट. हाँ, और उस फील्ड में रहते हुए जब आप अपने टिकटॉक पे आया करेंगी तो डेफिनेटली लोगों को बहुत कुछ आप दिया करेंगी मेडिकल के हवाले से. आई कैन इमेजिन, रियली नाइस. तो बहुत अच्छी, मतलब ये वो है. और आजकल के तो जो डॉक्टर्स हैं उनको तो यही बोला जा रहा है कि ये तो वाइट कोट में जो ये कोरोना के खिलाफ फाइट कर रहे हैं. सर, आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है और आप उसको शेयर कर रहे हो तो मेरे ख्याल में तो इससे बड़ी नेकी कोई नहीं होती जो डॉक्टर्स करते हैं ना हमारे लिए. अच्छा आलिया, अमूमन ना टिकटॉक स्टार्स के बारे में एक राय दी जाती है कि इनको जो है ना एक्टर बनना होगा और आपने उल्टा बताया कि आपको एक्टर नहीं बनना है, आपको डॉक्टर बनना है.
जी इंशाल्लाह। हाँ एक्टर एक्टिंग और लिपसिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। वेरी ट्रू, क्या बात है जी, बिल्कुल एक्टिंग और लिपसिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर जी आप वीडियोस अपनी वॉइस में बना रहे हो ना तो आपके लिए इजी है, क्योंकि आपको पता है आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आपने बोलना है आपकी वीडियो वायरल होगी। और सही लिप सिंक बिल्कुल ही अलग है, आपको वर्ड याद करने, आपको एक्सप्रेशन अपनी तरफ से देने, अपनी तरफ नहीं, आपको उस करेक्टर में ढल के आपको एक्सप्रेशन देने, चाहे वो सही। अच्छा है चाहे वो बुरा है। जी हाँ। और अच्छा, हम एज अ फिल्म मेकर जो है, जो ज्यादातर जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं उनके टिकटॉक पे अकाउंट्स होते हैं, और वो हमें टिकटॉक की ही पहले वीडियो देते हैं, जो हम लोग फर्स्ट इंप्रेशन लेते हैं कि सारे हम अपने वॉइस नहीं सुन पा रहे होते हैं, लेकिन एक्टर्स के हम हमेशा एक्टर की टिकटॉक वीडियोस को देखते हैं, ऑडिशन उसके बाद ऑडिशन पे बुलाते हैं ताकि फिर मजीद हम देखें कि वो उसकी अपनी आवाज कैसी है, डायलॉग कैसे अदा करता है। लेकिन टिकटॉक डज हेल्प अस एज अ फिल्म मेकर, मैं आपको बता रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आपने असल में आपने बताया कि आप मेडिकल में आगे जाके डॉक्टर बनेंगी, तो आगे जाके आपकी वीडियोस इस हवाले से किस तरह की होंगी, हम किस तरह की एक्सपेक्ट करें, क्या किस किस्म की वीडियोस की तवक्को करें आपसे? अगर मेडिकल फील्ड में जाऊंगी, मेरे पास मेडिकल की इन्फॉर्मेशन होगी, तो मैं 100% मेडिकल की इन्फॉर्मेशन ही उनके साथ शेयर करूंगी, जो भी लोग हैं। इस तरह आपको फैन फॉलोइंग भी अच्छी मिल जाती है, आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है, और आपका एक अच्छा कंटेंट बन जाता है, अच्छा आपका इम्प्रेशन अच्छा आता है। बिल्कुल। मैं चाहूंगी कि कोरोना के हवाले से अगर आप कोई इंफॉर्मेशन साथ में दें, आपकी भी ऑडियंस है यहाँ पर, मैंने कि ट्राई किया कोरोना की इन्फॉर्मेशन, मैंने 14 to 15 मिनट्स की वीडियो बना के डाली यूट्यूब पर। सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज लोग, अपनी आवाज सही करो, बोलना बोलना सीखो, तुमसे बेहतर पता है हमें, तुम घर बैठो। मतलब क्रिटिसाइज तो हर जगह करते हो, डिसएग्री बहुत लोग करते हैं, लेकिन 90% अगर लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उसमें 10% होते हैं जो इस तरह के होते हैं, लेकिन हम उस सही, 90% को 10% की वजह से इग्नोर नहीं कर सकते। ट्रू ट्रू, बिल्कुल। अच्छा, कोरोना के हवाले से मैंने देखा है कि पाकिस्तान के लोग जो है वो इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। पाकिस्तानी आवाम बाहर है और कोरोना भी बाहर है, अब पता नहीं क्या होता है। केसेस जी, तो दिन कोरोना दिन बढ़ते जा रहे हैं। केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और आज जो है WHO ने पाकिस्तान को लॉकडाउन के लिए कहा है, पूरे टोटल लॉकडाउन के लिए कंप्लीट अब बोल। लॉकडाउन अगर हो जाए तो बहुत ही बेहतर है, इसमें इसमें किसी एक को नहीं चलना, इसमें पॉलिटिशियंस को, इसमें अवाम को, इसमें सबको मिलके चलना होगा, एक दूसरे की हेल्प करनी होगी। अगर अगर पाकिस्तान में एक घर अमीर है तो दो घर गरीब, अगर वो एक घर दो घरों की हेल्प करेगा तो मेरे ख्याल में तो लॉकडाउन में कोई इश्यू नहीं होगा। अच्छा, मैं इस इंटरव्यू में एक बात बताना चाहूंगी, हमारा ये जो शो है स्माइल विद समीरा अजीज, ये BKM एंटरटेनमेंट के बिरेन बगाड़िया और मयूर गुप्ता और समीरा अजीज एंटरटेनमेंट के साथ हमारी टीम का हिस्सा है। इनका नाम हमें शाउट आउट करना होता है, और हमें ये शेक हैंड के जो उन्होंने जो है आपको हमसे मुतारिफ करवाया इस शो के इकबाल साहब, तो हम उनके बहुत बहुत मशहूर हैं कि वो इस शो में आपको हमारे लिए लेके आए। और अच्छा, हमारे शो का जो नाम है स्माइल विद समीरा अजीज है, अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे 3 तरीके से स्माइल करके दिखाएं, जी बोल स्माइल, भाई। मैं स्माइल मेरी हर वक्त ही होती है। अगर मैं स्माइल नहीं करती ना, सबको लगता है कि मुझे, मैं बीमार हूँ, मेरा मूड खराब है, मैं गुस्से में हूँ, हर वक्त ही मेरी स्माइल रहती है। तो आप मुझे स्माइल नंबर 1 कैसी होगी? जी 3 तरीके से, अलग अलग तरीके से आप मुझे स्माइल करके दिखाएं। एक होती है फेक स्माइल, वो इस तरह होती है। जी
फेक वाली मुझसे, मैं अगर सीरियस बैठी हूँ ना, कोई सीरियस टॉपिक पे बात हो रही है, मेरी फेक स्माइल तो खड़ी है ना फेस पे, अगर किसी सीरियस टॉपिक पे बात हो रही है अचानक से फेक स्माइल से क्या मेरी हंसी नहीं रुकती। अच्छा यहाँ पर एक ने कहा है कि नेचुरल वाली स्माइल दिखाए। नेचुरल नेचुरल वाली स्माइल, स्माइल नंबर टू। नेचुरल वाली, नेचुरल वाली अगर मैं बताऊं तो मेरा भाई अभी मुझे बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, और उस वजह से ताकि मैं कंफ्यूज हो जाऊं, और मैं हो रही हूँ 100% में कंफ्यूज हो रही हूँ और मेरी स्माइल नहीं रुक रही, तो ये नेचुरली है। ये नेचुरल है। अच्छा स्माइल नंबर थ्री, जोर से कहका जिसे कहते हैं ना लाफ, जोर वाली स्माइल, जोर से बड़ी वाली स्माइल, स्माइल ऐसी होती है बस, सारी एक जैसी होती है जी। मैं आपके जो भाई को इस वक्त जो है ना सैल्यूट कर रही हूं, आपके भाई ने आपको जिस तरह सपोर्ट किया और आपको आगे बढ़ने में मदद की, ये वो अहम मौका था जब उन्होंने आपको सपोर्ट किया। एक एक छोटी सी चीज होती है आगे जाके आपके बहुत बड़ा हासिल करेंगी आप, लेकिन अगर वो पहला कदम नहीं होता तो आप तो आगे वाली कामयाबियां ना होती। मेरे दो भाई हैं, एक मेरा भाई, मेरी मदर सबसे ज्यादा सपोर्टिव, मेरी हर चीज, मेरी हर कामयाबी, मेरी हर अच्छी चीज, सब कुछ जो भी है ना वो मेरी मदर की वजह से, मेरे भाई की वजह से, मेरे भाइयों की वजह से। मेरे दो भाई हैं और एक जो है उसको जीरो इंटरेस्ट है, ये फजूल चीजें होती हैं, टिकटॉक क्रिंज है, टिकटॉक ये है, टिकटॉक वो, और मेरा बड़ा भाई तुम बनाया करो, तुम्हारी इतनी फॉलोइंग हो गई है, मैं सपोर्ट क्यों, मेरे भाई का मैसेज होता है देख लो इतने हो गए फॉलोअर्स, अब मैं उसको देख के बहुत ज्यादा खुश होती हूँ, और बहुत ही कम लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। सही। मेरी फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं तो पहले मेरी इतनी फ्रेंड्स नहीं होती थी, अब हर कोई हाँ हमारी फ्रेंड है, हमारी फ्रेंड है। जो लोग मुझे सबसे ज्यादा इग्नोर करते थे, सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे, अब वही कहते हैं कि ये तो हमारी दोस्त थी, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और फिर मुझे ना अच्छा नहीं लगता, मैं कहती हूँ कि जो लोग मेरे बुरे टाइम में मेरे साथ नहीं थे ना, उनको मेरे अच्छे टाइम में मेरे साथ होने का कोई हक नहीं बनता। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और आप जो है क्या अपने टिकटॉक को क्या सियासत के लिए भी इस्तेमाल करेंगी कभी कभी? ऐसा हो सकता है बहुत सारे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो किसी ना किसी सियासी पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं। सियासत से तो दूर ही रहूंगी क्योंकि सियासत में ना मसले बहुत होते हैं, पार्टी बदल जाती है और फिर लोग बातें करते हैं, सियासत की इमेज बहुत अच्छी नहीं बनी हुई। सही। अच्छा आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने मिडिल ईस्ट के फैंस को और तमाम लोगों को? मैं बस यही मैसेज देना चाहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिचुएशन को देखते हुए घरों में रहें, खुश रहें और एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करें क्योंकि लाइफ परमानेंट नहीं होती। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही। और मैं ये कहना चाहूंगी इन लोगों को कि जो कंजर्वेटिव जो लोग हैं उस कंजर्वेटिव होने में, बैकवर्ड होने में कुछ नहीं रखा है। ये अब मीडिया का दौर है, वीडियोस का दौर है, टीवी का दौर है, हर कोई ये बात समझता। इन लोगों को समझ आएगी लेकिन बहुत लेट आएगी, अगर इनको आज फेम मिल जाता है ना तो इनके लिए ये सब ठीक होगा। ये वही लोग हैं जिनके सबके अकाउंट्स होते हैं टिकटॉक पे, 100-100, 200-200 वीडियोस उनकी होती हैं, लेकिन उनको फेम नहीं मिलता और फिर ये लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं। और वीडियो में फर्क होता है, जो एक एक इंडस्ट्री पॉर्न इंडस्ट्री तो वो उसके साथ तो सारी वीडियोस को तो खराब नहीं कह सकते ना। जी बिल्कुल, वो अलग लोग हैं, वो एक अलग सोसाइटी है,
तो ये शऊर की बात, ये मैच्योरिटी की बात, ये इसको आपको जो है ना इस चीज को सिखाना, तो आप क्या आपका हलवा है वो आपका काम है। प्यारी प्यारी वीडियोस बनाती रहें, इसी तरह प्यारी प्यारी रहें, आप बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह, आपके एम्स बहुत अच्छे हैं, और मेहनत करें, और जब आपके पास हथियार तालीम होगा ना, तो आपके आगे कोई बात नहीं कर बिल्कुल सकते। तो अपने आप को सबसे पहले जो है अपना तालीमी मकसद पूरा करें। बिल्कुल थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ आई, और इंशाल्लाह स्टे थैंक यू। करते हैं। टेक केयर, बाय बाय। बाय जी दोस्तों, तो कैसा लगा आपको आलिया एले से मिलकर? कितनी प्यारी, कितनी क्यूट, कितनी लवली, गुड़िया जैसी दिखती हैं, और जितने प्यारे इनके बाल हैं उतनी ही प्यारी हैं इनकी बातें, और उससे भी ज़्यादा प्यारे हैं इनके हौसले जो मिले हैं इनको इनकी वालदा से, इनके भाइयों से, जो डेफिनेटली ये बात तो समझते हैं कि सोशल मीडिया पावर क्या है। जनाब, सोशल मीडिया ही आज के दौर की हकीकत है, इसको समझें, और इस तरह के जो मुसबत वीडियोस बना रहे हैं उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की पावर को समझें, ये आपके सपोर्ट के मुस्तहक हैं। इस बात के डिफरेंस को समझें कि एक तो होती है अच्छी वीडियो, एक होती है बुरी वीडियो। तो ये जो अच्छी वीडियो बनाने वाले लोग हैं, ये आपके माशरे में बहुत मुसबत तब्दीली ला सकते हैं, इनको लाने दीजिए, इनको डिस्टर्ब ना कीजिए। और इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी के काम में दखल अंदाजी करें। अगर वो वीडियो बनाना पसंद करते हैं, अगर वो अपना किसी सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाते हैं, तो हम उसमें बिला वजह जो है अपनी टांग अड़ाएं और मुदाखलत करें, तो ये भी मैच्योर लोगों का और अच्छे लोगों का काम नहीं है। ऐसे ही अच्छे अच्छे लोगों से हम आपको मिलवाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा आपने हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जनाब। यूट्यूब पे समीर अजीज ऑफिशियल पे, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और ट्विटर पे भी, और मैं फेसबुक पे samira.aziz.media के अकाउंट से भी अक्सर स्माइल विद समीर अजीज के शोज करती हूँ, वहाँ भी आप फॉलो कर लीजिएगा। ये शो खास तौर पर आपको हैंडशेक एंटरटेनमेंट से शाहिद इकबाल साहब जो हैं उनके तवस्त से आलिया एले जो हैं एज अ सेलिब्रिटी हमारे पास गेस्ट आई थीं। इसके अलावा VJM एंटरटेनमेंट मुंबई इंडिया से बिरिन बगाड़िया और मयूर गुप्ता, और समीर अजीज एंटरटेनमेंट से साद अब्दुल लतीफ। इस शो की प्रोडक्शन टीम का हिस्सा हैं हम। फिर आएंगे, फिर मिलेंगे, किसी नई शख्सियत को आपसे मुतारिफ करवाएंगे, जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने का, कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेने का मौका ज़रूर मिलेगा। तो अब हम देखते हैं आपको किससे मिलवाते हैं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। टिल देन, अस्सलाम, बाय बाय।